हेलो गाइस, आज जो हमारा वीडियो है इंडक्शन का पावर सप्लाई से रिलेटेड। तो इंडक्शन का पावर सप्लाई पावर ना ऑन नहीं हो रहा है किसी कारण बस। तो लगभग होता है क्या फ्रेंड, आरजीबीटी को हम लोग चेंज कर देते हैं, डायोड को चेंज कर देते हैं, जो बड़ी वाले डायोड होते हैं उसको चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर लगी हुई होते हैं, ये ट्रांसफार्मा इस तरह का आईसी होता है जिसके कारण भी पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, जिससे कि आपका इंडक्शन ऑन नहीं हो पा रहा, उसका जो मेन मदरबोर्ड जो प्रोग्राम होता है वो ऑन नहीं होता है। तो इसके कारण भी ऐसा होता है, पावर नहीं बन पाता जिस कारण से ऐसा होता है। लेकिन ये लगाने के बाद भी इंडक्शन आपका नहीं ऑन हो और शॉर्ट बताए तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया पूरा पूरी, उस टाइम आपको मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी इसके लगाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पूरा पूरी मदरबोर्ड जल्दी से ख़राब नहीं होता फ्रेंड। तो उस जगह पे इस वाले मॉडल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज इस वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे, उसका कनेक्शन के बारे में आपको आज जानकारी देंगे। उसके जगह में ये सब आईसी लगा के आप प्रॉब्लम लगा लगा के थक गए होंगे कि हमारा जो इंडक्शन बन जाए नहीं बना पा रहे, तो उस जगह में अगला मॉडल लगा के इजीली अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस जगह पर यहाँ पर फ्रेंड दो एसी लाइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन डायोड जो लगी होगी इंडक्शन के, उसके बाद से 200-300 वोल्ट यहाँ पर जाएगा डीसी माइन नेगेटिव। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मार्किंग दिया हो, नेगेटिव वाला पॉइंट और पॉजिटिव वाले पॉइंट में डीसी करंट यहाँ पे जुड़ेगा 300 वोल्ट। ये हो गया हमारा एसी कनेक्शन। अब यहाँ पर फ्रेंड आउटपुट में जो इसका जी है और इसका जो माइनस है, ये दोनों एक ही है, एक ही तो माइनस में लगाएंगे चलेगा। तो ये ग्राउंड ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे जो कि मेन बोर्ड ड्राइव होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दूंगा। और यहाँ पे 12 वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट दे या नहीं दे, 12 वोल्ट देने के बाद 5 वोल्ट वहाँ पे बनेगा, उसके बाद वो मेन जो आईसी ड्राइव होगा, तो 5 वोल्ट ही वहाँ पे देंगे, 3805 को हटा देंगे। उसके बाद फिर 18 वोल्ट को 18 वोल्ट फैन का जो पॉजिटिव वाला पिन होगा उस पॉजिटिव वाले पिन में देंगे, और वहाँ पर एक 80-50 का ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिससे कि ऑटोमेटिक आपका फैन ऑन ऑफ जैसा प्रोग्राम रहेगा इंडक्शन का बोर्ड में उस तरह से वो काम करेगा, और कोई भी प्रॉब्लम आपका ये मॉड्यूल लगाने के बाद नहीं होगा। जैसा आपका करता था काम फंक्शन, उसी तरीके से आपका ये काम करेगा मॉड्यूल में भी। तो चलिए आगे वीडियो में आपको डायग्राम को समझा देते हैं। मेरे पास कोई इंडक्शन इस तरह का बनने का नहीं आया, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में मुझे जानकारी हो गया है। अब इस तरह से करके अब अपना प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमने वीडियो में जैसे भी आगे बताया कि इस इंडक्शन वाली बोर्ड को, कोई भी इंडक्शन हो उसको ये वाली बोर्ड लगा के इजीली चला पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब इस सर्किट डायग्राम को मैं समझा देता हूँ कि कनेक्शन कैसे होगा और जिसके कारण ये बोर्ड हमारा जो है पावर सप्लाई ऑन नहीं हो पा रहा है। ये वाली सेक्शन ख़राब हो जाती है जिसके कारण से यहाँ पर ये वाले आईसी ऑन नहीं होता है, और यहाँ पर फैन उन ये सारा चीज़ नहीं चलते हैं जिसके कारण से हमारा इंडक्शन आगे का काम नहीं होता है। तो कभी भी आपका फ्रेंड पावर ये वाली फ्यूज कट जाए, कभी भी पावर नहीं आए, तो यहाँ पे एक आरजीबीटी लगी रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ फ्यूज कट जाती है और ये आरजीबीटी शॉर्ट हो जाता है। 3 टंगड़ी का आरजीबीटी यहाँ पे लगी हुई है, उसको चेंज करके आपका उसको ओपन करेंगे, अगर खोल देंगे और ये फ्यूज को शॉर्ट करेंगे तो ईजिली आपका ये इंडक्शन चालू हो जाता लगभग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन प्रॉब्लम होने से और ये आईसी ख़राब होने से आपका इंडक्शन बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक 7805 का एक आईसी लगी हुई है, रेगुलेटर आईसी, इसको ओपन कर देंगे। उसके बाद पावर देके यहाँ पे चेक करेंगे ये सब कैपेसिटर में, या 7805 जहाँ लगी हुई है वहाँ का तीनों तार में किस में 12 वोल्ट आ रही है। अगर इस ट्रांसफार्मर के थ्रू में 12 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं तो समझेंगे कि ये आईसी ख़राब है या ये रेगुलेटर आईसी ख़राब है, क्योंकि रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट यहाँ पे बन नहीं रहा जिसके कारण यहाँ पे ये आईसी ऑन नहीं हो रहा। तो एक रेगुलेटर आईसी को लगा के देख सकते हैं या 5 वोल्ट यहाँ पे देख के देख सकते हैं कि हमारा इंडक्शन बोर्ड चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेक्शन ही ख़राब हो जाए, ये वाली आईसी उड़ जाए, तो ये वाली आईसी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली आईसी जल्दी से नहीं मिले तब उसके जगह में अल्टरनेटिव ये हमारा मॉड्यूल लगेगा। तो ये आरजीबीटी यहाँ पे लगी रहती है, आरजीबीटी को चेंज करके इजीली अपना प्रॉब्लम को और इस फ्यूज को शॉर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये 7805 कभी कभी ख़राब हो जाती है जिसके कारण से आप चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका ये भी ख़राब हो जाए, ये भी ख़राब हो जाए, ये भी ख़राब हो जाए,
तब आप क्या करेंगे, और ये मिल ही नहीं रहा है इसी जल्दी से, तो अल्टरनेटर में ए मॉड्यूल लगा देंगे, आपका ये चालू हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल में जो कनेक्शन है फ्रेंड, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस पावर सप्लाई का इनपुट है 300 वोल्ट इनपुट होगा, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ रहेगा फ्रेंड। तो ये वाले नेगेटिव पॉइंट, ये ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट, ये वाले माइनस पॉइंट, अर्थात ये वाले कैपेसिटर का यहाँ पर माइनस माइनस करके दिया हुआ, इसका माइनस पॉइंट में जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए, इसका माइनस पॉइंट अर्थात 300 वोल्ट का नेगेटिव पॉइंट, तो 300 वोल्ट का ये नेगेटिव पॉइंट में ये वाली पॉइंट जुड़ जाएगा, जो कि ये ग्राउंड होते हुए इस जगह से हर जगह पे ये ग्राउंड है फ्रेंड। तो ये ग्राउंड पॉइंट अब बिजली अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पॉइंट से ही सारा मतलब है इस मॉड्यूल का। उसके बाद फ्रेंड इस जगह पर पॉजिटिव देंगे, जो कि इसका पॉजिटिव है, अर्थात यहाँ पे 300 वोल्ट मिलेगा, इसका जो सेकेंड वाली पॉइंट है उस पॉइंट में ये वाली पॉइंट को दे देंगे, ताकि इसको वोल्टेज मिल जाए 300 वोल्ट। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट 18 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट जो है फ्रेंड 7805 का, यहाँ पे जो 7805 लगा हुआ उसको खोल देंगे। उसके बाद फर्स्ट नंबर पिन में अब ये 5 वोल्ट का लगा देंगे। 12 वोल्ट लगाने से क्या है कि इस वाली पिन में लगाना पड़ेगा, तो फिर 5 वोल्ट नहीं बनेगा, तो 7805 को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे इसके जगह में इसका पहला नंबर पिन में 5 वोल्ट लगा देंगे, तो कि मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड फैन के लिए ये वाली पॉजिटिव पिन को फैन का यहाँ पॉजिटिव पिन में लगाएंगे, और ये वाले ट्रांजिस्टर अगर काम नहीं करे, फैन आपका डायरेक्टली वर्क कर रहा है इंडक्शन में पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा, तो ये वाले ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। यहाँ पर 8050 का ट्रांजिस्टर है जो स्विचिंग करता है इंडक्शन ऑन ऑफ के साथ में, और जब उसको चलने का रहता है ऑटोमेटिक वो चलती है, तो ये वाले ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे, ख़राब हो या नहीं ख़राब हो एक बार चेंज कर देंगे। उसके बाद ये वाले मॉड्यूल में 18 वोल्ट से यहाँ से चल जाएगी, और यहाँ पर स्विचिंग होकर इंडक्शन आपका अच्छी तरीके से वर्क करेगा फिर। तो आपने अच्छी तरीके से डायग्राम को समझ लिए होंगे, और इतने अच्छे तरीके से बताया जो कि पूरा क्लियर आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इस डायग्राम की मदद से आप अपना इंडक्शन को इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने जितना था उतना सारा चीज़ डिटेल हमने बता दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती, और इंडक्शन से रिलेटेड जितना भी पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था मैंने आपको डिटेल आपको बता दिया फ्रेंड। इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इससे पावर सप्लाई के इसके अंदर में नहीं होती है। इस आईसी को कभी कभी लगा के देख लिया करें, ताकि इस आईसी से जो ड्राइव होती है वो अच्छी तरीके से होती है, लेकिन इससे भी अच्छे तरीके से ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैन का भी वर्किंग अच्छी तरीके से हो जा रही है, आईसी भी अच्छे तरीके से वर्क कर जा रही है, और सारे सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर जा रही है फ्रेंड। बाकी कोई प्रॉब्लम रहने वाले नहीं है, लेकिन आईसी का भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, दोनों का सेम प्राइस लगभग में आ जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फ्रेंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।